नमस्ते प्रणाम। तो बहुत दिनों के बाद, 8 से 10 दिन के बाद लगभग मैं वीडियो बना रहा हूँ। बीच में समय मिला था एक दिन के लिए, मैं वीडियो बनाया था खेसारी भैया के लिए, जो कि सुर संग्राम में उनको इनवाइट नहीं किया गया था, नहीं बुलाया गया था। और बाकी मैं अभी थोड़ा सा अपने काम के वजह से बिजी हूँ, व्यस्त हूँ, कहीं और हूँ, इसलिए आप लोगों को वीडियो नहीं बना के दे रहा हूँ और न्यूज़ नहीं दे पा रहा हूँ खेसारी भैया के लिए। और खेसारी आज हमको थोड़ा सा समय मिला है तो सोचे कि आप लोगों को भाई न्यूज़ दे दें, बता दें, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो के इंतज़ार करते रहते हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ निवेदन है आप लोगों से कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। खेसारी भैया का एक गाना आया है आज, जिसका नाम है बिहान होके द। और कल एक गाना रिलीज हुआ था पवन सिंह जिसका नाम है हथियार। अब गाना भाई पवन सिंह गाते हैं और गाना नहीं चला, ऐसा नहीं हो सकता है। गाना अभी म्यूजिक सेक्शन में 2 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और उसको लिखे हैं छोटू शिकारी भाई। गाना तो बहुत बेहतरीन लिखे हैं और पवन सिंह गाना गाते भी हैं, गाने के लिए जाने जाते हैं, ये तो सब लोग जानता है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई पवन सिंह का हम इतना बड़ाई क्यों कर रहे हैं। तो हम पवन सिंह का बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम पवन सिंह को भी मानते हैं। पवन सिंह मेरे भोजपुरी का स्टार है और खेसारी भैया तो हैं ही। खेसारी भैया का मैं इसलिए खुल के सपोर्ट करता हूँ क्योंकि खेसारी भैया का मैं फ़ैन हूँ, उनके एक्टिंग का, उनके डांस का, उनके गानों का। लेकिन साथ साथ में हम लोगों का फर्ज है, जितने भी यूट्यूबर हैं जो अच्छा करता है भोजपुरी में, सबके लिए हम लोग वीडियो बनाएं और आप लोगों को न्यूज़ दें। वहीं पर बात कर ले पवन सिंह का, तो पवन सिंह का गाना बहुत बढ़िया है, हमको अच्छा लगा है। जो कि उसमें लाइन वो बोल रहे हैं कि हथियार पूरा जिला के भाड़ा पर देंगे, मतलब ये जो लाइन है बहुत बढ़िया है। और पवन सिंह अपने आप में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है भाई। अब जानते हैं क्या नहीं मज़ा आ रहा है। मज़ा तब आता कि इधर से खेसारी भैया का भी गाना छूटता और टक्कर में दोनों लोग होते तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन ऐसे बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए, उम्मीद है कि बहुत जल्द एग्रीमेंट से खेसारी भैया छुटकारा पा लेंगे और गाने पे गाने पहले जैसा ही देंगे। हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए खेसारी लाल यादव को। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोग, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा फैलाइए, आप लोग खुल के सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो बस यही बोलना था कि आप लोग खुल के सपोर्ट करते रहिए, चाहे कोई भी गाना गाए, अच्छा गाना है तो सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और हमारे बिहार के एक्टर जो भोजपुरी जानते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सभी को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी तो मान लीजिए कि टकरार, लड़ाई झगड़ा ये तो होते रहता है भोजपुरी में, ये कोई मायने नहीं रखता है, तो हम लोग को साथ लेकर चलना है। बाकी खेसारी भैया के गाना की इंतजार रहेगा कि कब गाना आ रहा है उनका। बाकी अभी फिल्म का गाना आ रहा है, उसी को सुन के संतोष करना है, सबूर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।